नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए इस अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। कोरोना के मुश्किल दौर को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े लोग प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे हुए थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई हैं। पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है। पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महीने का अंतर रखा जाएगा। दूसरी डोज लगने के दो हफ्ते बाद ही शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो जाएगी। वैक्सीन लगते ही असावधानी न बरतें। जिस धैर्य के साथ कोरोना का मुकाबला किया, वैसा ही धैर्य वैक्सीनेशन के समय दिखाना है। पीएम मोदी ने कहा कि आपको किसी प्रकार के प्रोपेगेंडा या दुष्प्रभाव से बचकर रहना है। हमारे वैज्ञानिकों की दुनिया में बहुत विश्वसनीयता है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। आपको बहुत गर्व होगा कि दुनिया में जितने बच्चों को जीवन रक्षक टीके लगते हैं, उसमें से 60% भारत में ही बनते हैं।